हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनफिनिटी। आज मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था और मेरी शिफ्ट थी 1 बजे की। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया और क्या क्या वहाँ का सिस्टम रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, और मैं आपको सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरा 1 बजे का टाइम था, तो मैं 12 बजे ही पहुँच गई थी। ठीक है, कि मेरे को लगा कि थोड़ा जल्दी जाऊँगी, शायद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम हो कि, तो जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो लाइन लगाई, सबसे पहले गेट में एंट्री हुई जहाँ पे तुमने अपनी एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो उधर लाइन लगी हुई थी, तो मैं उधर फर्स्ट नंबर पर ही अपने जो शिफ्ट की थी फर्स्ट नंबर पर ही खड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद हमने एंट्री करके अंदर एंटर हुए जब बिल्डिंग के अंदर, तो उधर बायोमेट्रिक हुआ। तो उधर बायोमेट्रिक के लिए ना एक नंबर लिखे हुए थे उन्होंने, नीचे विजिटर नंबर्स थे। ठीक है, तो उसके अंदर ना पता नहीं, मैं तो फर्स्ट नंबर पर खड़ी थी, लेकिन उसमें मेरा नंबर था 21st नंबर था मेरा। ठीक है, टोटल 25 स्टूडेंट होते हैं एक पैनल के अंदर, और आई थिंक 6 पैनल्स होते हैं। तो उसके अंदर मेरा 21st नंबर पर मेरा बायोमेट्रिक का था। तो मैं तब तक वेट करती रही, तो बहुत टाइम हुआ बायोमेट्रिक से, मेरा जाके 21 नंबर पर बायोमेट्रिक हुआ। तो जो मैं ये सोच के गई थी, ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होगा, क्योंकि सभी यही बोल रहे थे कि ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरा 21st नंबर पर आया। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें दूसरे रूम पर भेजा गया, तो वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए थे जो मेरे से पहले गए थे, तो वो ऑलरेडी बैठे हुए थे उधर। तो लेकिन मैंने फटाफट अपना जाके, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स सब सेट थे, क्योंकि मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की भी नीड नहीं थी, तो डॉक्यूमेंट सेट थे, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा। मैंने फटाफट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए उन लोगों से भी पहले जो पहले से बैठे हुए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमें एक अलग जगह पे भेज दिया, वहाँ पे ऐसे सोफा लगे हुए थे रूम के बाहर, तो वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे 3 लोग और थे मेरे आगे। तो सबसे पहले मतलब अराउंड 7 to 8 मिनट्स ही इंटरव्यू का चल रहा था, सभी का एवरेज 7 to 8 मिनट्स ही चल रहा था। तो फिर पहले सभी का हुआ, जल्दी जल्दी आ रहे थे काफ़ी, मेरे को इसे टेंशन हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जल्दी इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं गया, शायद पैनल मेंबर्स थोड़ी स्ट्रिक्ट है ज़्यादा, तो मेरे को टेंशन पहले से ही हो रही थी, ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट भी है। तो फिर बाद में मेरा नंबर आया, ठीक है मैं एंटर हुई, तो पहले थोड़ा सा जैसे लोबी टाइप का था, तो उधर से जाके एंड देन टेबल लगा हुआ था। टेबल पे वहाँ पे पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे, तो एक मैम थी और बाकी जो सर थे। ठीक है, तो मैं एंटर हुई, तो सबसे पहले जैसे मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, तो एंटर होते ही मुझसे उन्होंने पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैंने अपने नाम का मतलब बताया, ठीक है ऐसे ऐसे मतलब है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो अपना इंट्रो दो, तो मैंने अपना इंट्रो दिया। मैंने मतलब अपना सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कहाँ रहती हूँ, मेरे मदर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता दिया। मैंने अपनी हॉबीज़ भी बता दी, एंड फिर भी उसके बाद भी मतलब सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो मैंने दूसरे उसको आगे और कंटिन्यू कर लिया कि दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड हेयर आई एम, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन को अपने को ऐसे कंप्लीट करा। फिर बाद में जो मैम थी उन्होंने पूछा, जैसे मैंने अपनी हॉबी में बोला था कि मेरे को पेंटिंग एंड मैं ऑनलाइन टीचिंग या यूट्यूब पे मतलब वीडियोस डालती हूँ अपनी टीचिंग की ऐसे गाइडेंस की, तो वो मेरी एज अ हॉबी है, ठीक है मैं उसको एज अ हॉबी अपना करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो करना। तो मैम ने पूछा कि अच्छा आप यूट्यूब पे डालते हो, तो फिर आपका उसमें क्यों नहीं आपने करियर बनाया, तो मैंने बोला कि मैम अभी मतलब मेरी ऐसे हॉबी है उसमें, ठीक है लेकिन हाँ लॉन्ग उसके अंदर मैं सोचूंगी ज़रूर कि मैं टीचिंग लाइन में जाने का ज़रूर मेरा प्लान ज़रूर है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप तो फिर आपको पता होगा कि जो विंडोज़ होते हैं तो उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है इनबिल्ट होता है नहीं होता है, तो बाई चांस वो मुझे पता था कि ठीक है विंडोज़ के अंदर क्या सिस्टम रहता है, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एक्सेल आता है, तो मैंने कहा कि मैम थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक कुछ पता है, ठीक है। तो जैसे कि वो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने हिंदी में ही आंसर दे रही थी, तो ऐसा उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा ही नहीं, ठीक है। और फिर अगर सामने से अगर इंग्लिश में नहीं पूछते हैं, तो तुम्हें भी इंग्लिश में नहीं बताना होता है फिर, वरना रूड लगता है अगर तुम इंग्लिश में बताते हो।
तो मैं हिंदी में ही मेरा इंटरव्यू चल रहा था, और फिर मैम ने मुझसे मतलब वही पूछा कि एक्सेल से रिलेटेड दो तीन टर्म्स पूछी, ठीक है, मर्ज वाला से रिलेटेड ऐसा कुछ था, तो लेकिन मुझे नहीं आता था, तो मैंने बोल दिया कि मैम सॉरी आई डोंट नो, ठीक है, इतना मुझे मतलब इन डेप्थ नहीं पता एक्सेल का, क्योंकि कभी काम नहीं किया एक्सेल में. तो मैम कहती ओके. तो जो दूसरे सर थे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप अभी प्रेजेंटली दिल्ली में रहते हो, तो मैंने कहा ये सर अभी मैं स्टडीज कर रही हूँ, तो मैं दिल्ली में रह के कर रही हूँ. तो उन्होंने पूछा आप कैसे आए हो यहाँ तक, मैंने कहा कि सर मैं ऑटो से आई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि अगर मैं मेट्रो बोलूँगी तो शायद मैं वहाँ पे थोड़ा सा फंस सकती हूँ, तो मैंने ऑटो ही बोला वहाँ पे कि सर मैं ऑटो से आई. उन्होंने फिर भी मुझसे ये पूछ लिया कि बताओ कि चलो मेट्रो किसने बनाई थी, तो मुझे नहीं पता था कि किसने बनाई है मेट्रो, तो मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो. कहते सर कहते कि आप दिल्ली में स्टडीज करते हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मेट्रो किसने बनाई थी. तो मैंने कहा सर मैं ज़रूर पढ़ूंगी जाकर, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में. तो फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि वैसे तो मेरा होम टाउन हरियाणा का है, लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन मेनली दिल्ली से रिलेटेड पूछे क्वेश्चन, तो मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि मैं अपने होम स्टेट का ही पढ़ के गई थी सब कुछ. मैं दिल्ली से रिलेटेड हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के गई थी, लेकिन जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए वो सब नहीं पढ़ के गई थी, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि अच्छा दिल्ली में बिजली कहाँ से आती है, मतलब कौन प्रोवाइड करता है बिजली, मुझे एक पता था तो मैंने वो बता दिया, लेकिन मुझे कहते कि नहीं और कौन कौन प्रोवाइड करता है, तो मैंने कहा कि सर नहीं पता वो तो. तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि अच्छा दिल्ली में सब्सिडी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने कहा यस सर, वो 200 यूनिट्स थी पहले, लेकिन अब शायद रूल चेंज करती हैं, तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि वो कितना रहता है, कि शायद अभी ऐसा नहीं है कि जिसको लेनी हो वही एक फॉर्म फिल करेगा एंड देन उसको मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलेगी. तो कहते कि ओके. फिर उन्होंने मुझसे और क्वेश्चन पूछे दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड दिल्ली की, तो मतलब पूरा मेरा इंटरव्यू ना दिल्ली के अराउंड चला गया. तो उन्होंने लास्ट में मतलब यही बोला कि ठीक है आपको पता होना चाहिए आप दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली के बारे में. तो मैंने कहा सॉरी सर, मतलब मेरे को भी थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था कि ठीक है यार कि मेरे होम स्टेट के बारे में पूछ लो, मैं उसके बारे में अच्छे से कर कर आई हूँ, और बैंकिंग के टर्म्स पूछ लो, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं पूछा. मतलब मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतना रिसर्च करा कि ठीक है सबसे बैंकिंग के टर्म्स पूछे गए हैं, बैंकिंग की नॉलेज, करंट अफेयर, बजट, मॉनेटरी पॉलिसीज, सब कुछ पूछा गया, लेकिन मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना बैंकिंग से रिलेटेड, ना करंट अफेयर से रिलेटेड, ना ही मेरी होम स्टेट से रिलेटेड, ना ही मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड. मैं अपना ग्रेजुएशन का भी अच्छे से करके गई कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछ लेंगे शायद, लेकिन नहीं पूछा. ठीक है, तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे जो बाकी बोलते हैं कि उनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, इतना सब कुछ पूछा, तो पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ मतलब आउट ऑफ नोवेयर ही क्वेश्चन चल रहे थे, कि मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसे मतलब अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एम्फेस किया था कि ठीक है मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीएससी करी है, तो भी उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ग्रेजुएशन से रिलेटेड. एंड फिर उसके बाद बस उन्होंने यही बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो आप जा सकते हो. तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा इंटरव्यू 7 to 8 मिनट्स चला था हार्डली, जो थोड़े बहुत मैम ने क्वेश्चन पूछे थे तो वही मैं बता पाई थी, और जो दूसरी मतलब मेरे से सिर्फ दो ही जन ने क्वेश्चन पूछे थे, एक तो मैम ने और एक सर ने, तो जो सर के क्वेश्चन थे वो मैं नहीं बता पाई, क्योंकि बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन मेरे को लगे कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए क्वेश्चन वो वाले. तो मेरे हिसाब से तो मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं गया जितना मुझे उम्मीद था कि ठीक है अच्छा जाएगा इंटरव्यू, मेरी जितनी तैयारी थी उस हिसाब से नहीं गया. बाकी आप बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, अगर आपका इंटरव्यू अभी होगा तो प्लीज़ अपना जहाँ पे भी रहते हो, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के बारे में मेट्रो, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ और मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मतलब सब कुछ अपना रीड करके चले जाना, क्योंकि वो लोग दिल्ली से रिलेटेड ना यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मुझसे तो स्पेशली यही पूछे गए थे, ठीक है, मेरे से हिस्ट्री नहीं पूछी गई थी, मेरे को लगा कि शायद कोई हिस्ट्री पूछ लेंगे दिल्ली से रिलेटेड, मैं हिस्ट्री याद करके गई थी अच्छे से, और नहीं पूछा गया मुझसे, कुछ भी नहीं पूछा.
तो देखते हैं कि अब क्या होता है, कि कितने मार्क्स आते हैं, वो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो लेट्स सी। बाकी गाइस, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि गाइस, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैं कुछ ऐसा वैसे करके नहीं बताती कि ठीक है मुझसे ये भी पूछ लिया ये भी पूछ लिया। जितना मेरा ऑनेस्ट था मैंने आपको बताया, ताकि आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और थैंक यू गाइस।